सो गाइस तीन गिनते ही देखो अंधेरा हो जाएगा। विंग्स लाइट आप लोगों को अभी भी दिख रही है, एक दो तीन। ये देखो गाइस कितनी प्यारी विंग्स लाइट इसके अंदर एक्टिवा के अंदर लग रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नो खान की एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से एजल विंग्स लाइट, जो कि हमारा बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, जो हम लगाने वाले हैं सबकी फेवरेट स्कूटी होंडा एक्टिवा। जो भाई आए हमारे पास से, भाई आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। मोहित भाई का नाम मोहित है। भैया कहाँ से आए हो? उस्मानपुर से, पहले सादरा। शादरा से आए हो? हाँ। तो भैया आपको कैसा लगा कि अपनी स्कूटी के अंदर ये विंग्स लाइट लगाई जाए? मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहा था आपकी, तो मैंने काफ़ी और भी जगह देखी थी, और भी जगह ट्राई करे मैंने विंग्स के। कोई 3000 बोल रहा, कोई 3500 बोल रहा। सबसे रिलायबल हमारे पास में, सबसे रिलायबल रेट आपके लगे। चलो भैया, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, ट्रस्ट की। ट्रस्ट है तो अपने टेक्नोफान स्टोर पर आ जाना, करोल बाग में। एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल लोकेशन भी, बाकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। ये हमारी एंजल विंग्स लाइट है, आप लोगों ने पहले ही देख लिया। हमने अपनी एरोक्स 155 के अंदर लगाई थी, और आज हम लगाने वाले हैं होंडा एक्टिवा, कौन सा मॉडल, 5G के अंदर। तो इसके अंदर लगाएंगे हम, प्लेसमेंट होगी इसकी दोनों, एक इधर दूसरी इधर, और लगने के बाद में लुक चेकआउट कराऊंगा आपको, अंधेरे का भी और दिन का भी, और किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। सो गाइज, आप लोगों को पहले भी मैंने इसका बॉक्स दिखाया था, जो एक्टिवा वाले बंदे हैं उन वो देख लो भाई, इस तरीके का बॉक्स है, कुछ इस तरीके का। एक कार के लिए लाइट है, लेकिन हम लोगों ने जुगाड़ करके हम लगाएंगे इसके अंदर, एक्टिवा के अंदर। जुगाड़ तो नहीं बोलेंगे, प्रॉपर फिटिंग बोलेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर जो ना यहाँ पे कटिंग होगी, जब कटिंग होगी तो अपनी लाइट्स ऐसी फिक्स हो जाएगी जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एरोक्स में दिखाया है। ये देख पा रहे हो कुछ इसके अंदर, भाई ने पहले भी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, इसके अंदर लगाई हुई है एजेजे की, फॉग लैंप लगे हुए हैं, इंडिकेटर लगे हुए हैं, हजार्ड लगे हुए हैं, और ये देख पा रहे हो यहाँ पे लगा रखा भैया ने मॉक्सी लीवर। ये देखो कुछ बड़ा हो गया, भैया को हमने सजेस्ट करा, भैया ये आपने ओवर साइज का लगवा रखा है, इसमें आप छोटा वाला लगवा लेना। क्यों भैया ऐसी था ना कुछ? देखो गाइस कमाल की बात, देखो इसके अंदर किस तरीके की लाइटें चेंज हो रही हैं, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही अलग देखेगा, क्योंकि हमने अभी अपनी एक्टिवा में लगाई थी तो भैया ने शायद वहाँ देख के लगवाई हो। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हजार्ड का बटन दे रखा है, ये देख पा रहे गाइस, ये देखो ये तो आपके भाई ने आप लोगों को पहले ही दिखा रखी चीज़ें, ये देख पा रहे हो, ये देखो हाई क्वालिटी वाले बल्ब, जो कि आपके भाई ने फेमस करे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फॉग लैंप लगी हुई है। सो देख पा रहे हो गाइस, ये इसके अंदर विंग्स लाइट एक और दो, दोनों इसके अंदर है, बाकी इसके अंदर इसकी एसेसरीज है, और इसका कटर है, इसके टूल है, ये कुछ इस तरीके की। अब लगाएंगे एक्टिवा के अंदर। देखो गाइस आप लोगों को एक क्लोज लुक दिखा दूं, ये लाइट कुछ इस तरीके की होती है, ये देखो लेफ्ट का, इसके अंदर लिखा हुआ है राइट का, कुछ इस तरीके की लाइट है, और यहाँ पे देख पा रहे हो उसकी लेजर यहाँ से निकलेगी। बाकी ये कार के लिए आइटम थी, लेकिन जुगाड़ू लोग इंडिया के अंदर बहुत है, तो इसको जिस मर्जी में लगा देते हैं, चाहे स्प्लेंडर हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारी लगी हुई विंग्स लाइट, यहाँ पे देखो पूरा खाली स्पेस है, आराम से यहाँ पे लग जाएगी। और गाइस एंजल लाइट के साथ में आप लोग हमारे पास में PPF भी करवा सकते हो, और आना हो तो आ जाना भाई टेक्नो खान स्टोर, करोल बाग नायवाला में। लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूँ, आर्य समाज रोड सामने बाथरूम, और ये भी हमारी दुकान, और देख लो दुकान कितनी बढ़िया कर दी आपके भाई ने। ये यहाँ पर सारी एसेसरीज वगैरह है, इधर भी एसेसरीज है, और अंदर एसेसरीज, अंदर तो काम चल ही रहा है एक्टिवा का। अगर गाइस आप भी अपनी बाइक के अंदर कुछ यूनिक काम करवाओगे ना, तो आपकी भी वीडियो बनाएंगे हम अंदर, तो आ जाना अपने भाई के पास में, टेक्नो खान के पास में, लगाएंगे आपकी बाइक के अंदर बढ़िया बढ़िया एसेसरीज। अभी तो फिलहाल लग रही है इसके अंदर विंग्स वाली लाइट, क्यों भैया? सो हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ पे छेद कर दिया, दूसरा छेद करके दिखाओ। तो देख पा रहे हो गाइस कितनी आराम से इसके अंदर होल हो गया, क्योंकि प्लास्टिक की आइटम है, और अपने पास में ड्रिल होनी चाहिए, और ये देखो हो गया। अब इसकी मेन पॉइंट ये आता है कि ये लगेगी कहाँ, ये लगेगी हमारी राइट में, तो हमारा स्कूटी का फेस इस तरीके से करो, ये हमारी इधर आ जाएगी राइट वाली में, और ये हमारी लेफ्ट वाली की इधर आ जाएगी। बस समझ गए बाबू? समझ गया भाई। ये देखो ये जो छोटा वाला टूल है ना, ये हमारे मोनू भैया को पता नहीं है, मोनू भैया इसे टाइट करते हैं इसको, ठीक है, टाइट करके तो दिखा दो इसको, इस तरीके से लग जाएगी लाइट। ये देखो भाई ये बहुत बढ़िया, अब ये पीछे से लग जाएगी इस तरीके से, अब पीछे इसका जो नट था ना वो लग जाएगा, टाइट हो जाएगा। और देखो भाई ये लग चुकी है हमारी साइड वाली, और फिटिंग देख लो भाई बिल्कुल जेन्युइन आती है, आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, और नीचे से कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, और सेम यहाँ पर भी लगाते इस तरीके से टाइट हो जाएगी, बढ़िया तरीके, बहुत बढ़िया। तो गाइस देख पा रहे हो लग चुकी है इसमें लाइट, और देखो दूर से कुछ वाइजर हमारा इस तरीके से नजर आएगा, और लगाते हैं अपनी एक्टिवा के अंदर इसको। इसी के साथ में हम इसके अंदर LED स्विच लगाने वाले हैं प्रीमियम क्वालिटी का।
इसके अंदर बटन लग चुका है, देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारी फिटिंग चल रही है, कपलर टू कपलर होगा, कोई भी वायर कट नहीं होगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसमें बटन यहाँ लग गया एक, और एक फॉग लैंप के लिए इधर लगाया दूसरा, और फिटिंग चल रही है। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर हमने विंग्स लाइट लगा दी, प्लेसमेंट देख लो बढ़िया है। और ये स्कूटी हमारी, तो जैसे हम अपनी गाड़ी की इग्निशन ऑन करा, उसके बाद में हमने इसको दबाया, ये देखो गाइस कितनी बेहतरीन चल रही है। ये देखो, ये हमारे इस टाइम दोपहर के टाइम है, अगर हम अपनी लाइट बंद कर देंगे सारी। सो गाइस तीन गिनते ही देखो अंधेरा हो जाएगा, विंग्स लाइट आप लोगों को अभी भी दिख रही है, 1 2 3। ये देखो गाइस कितनी प्यारी विंग्स लाइट इसके अंदर एक्टिवा के अंदर लग रही है। ये देखो कुछ इस तरीके से काम कर रही है, जब अपना हैंडल घुमा रहे हैं, हैंडल के साथ ही ये वर्क कर रही है। सो गाइस आप लोगों ने देखा इसके एंजल विंग्स लाइट किस तरीके से लगी, कमेंट करके जरूर बताना। भैया से पूछते हैं, भैया कैसी लगी लाइट आपको? लाइट भैया जैसी दिखाई थी वैसी ही है, सेम, बहुत ही अच्छी लगी लाइट। 10 में से कितना मार्क्स देना चाहोगे? मैं 10 में से 10 देना चाहूंगा। 10 में से 10। ऐसे कस्टमर हमारे पास में रोज आए ना, अब तो भाई बल्ले बल्ले। तो भैया का एक्सपीरियंस, तो भैया से मिलके काफी अच्छा लगा। तो भैया नेक्स्ट टाइम भी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो एक भाई भी आए हैं R15 लेकर, तो भैया आप क्या करवाने हैं अपनी बाइक में? तो भैया आए हमारे पास में एग्जॉस्ट लगवाने के लिए, UP 37। कहाँ पड़ता है ये? हापुड़ से आए हैं भैया, देखो ये अपनी R15M लेकर आए हुए, जिसमें मॉडिफिकेशन में देख लो गाइस एग्जॉस्ट चेंज होगा इसके अंदर, और भी एसेसरीज है वो लगेंगी। चैनल पे बने रहिएगा, तो आप लोगों को ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, अगर किसी को मॉडिफिकेशन करवानी है तो आ जाना टेक्नो स्टोर करोल बाग में। तो मिलते हैं आपके साथ में जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय।